नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन की। मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी निशाना बनाया गया। शहर के जीआईसी मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में 22 किसान संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। राकेश टिकैत ने एक बार फिर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। वहीं बीजेपी का कहना है कि आंदोलन भटक गया है। किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने न सिर्फ खेती किसानी बल्कि निजीकरण, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया। टिकैत ने कहा कि अड़ियल सरकार को झुकाने के लिए वोट की चोट जरूरी है। टिकैत ने कहा कि देश बचेगा तभी संविधान बचेगा। सरकार ने रेल, तेल, हवाई अड्डे सब बेच दिए हैं। किसने सरकार को हक दिया? ये बिजली बचेंगे और प्राइवेट करेंगे, सड़क बेचेंगे और सड़क पर चलने पर हम लोगों से टैक्स भी वसूलेंगे। तो आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस दौरान राकेश टिकैत यहां पहुंचे और केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए। इसके साथ ही प्रदेश सरकार पर भी हमलावर होते हुए नजर आए हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है और जो कृषि कानून है जिसे किसान काले कानून कह रही है, उन कानूनों को पूरी तरीके से वापस लिया जाए और किसानों की जो मांग है उसको जरूर सुना जाए। अगर वक्त रहते किसानों की मांगों को नहीं माना गया तो किसानों का आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, यह आंदोलन आगे तक जाएगा। यहां पर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार पीछे नहीं हटेगी तो किसान भी पीछे नहीं हटेगा। पिछले करीब 11 महीनों से लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और इसी कड़ी में आज महापंचायत की गई थी, क्योंकि अब आगे की रणनीति तैयार की जा रही है कि आगे कितने महीनों तक ये आंदोलन चलने वाला है, सरकार क्या सोच रही है और आगे सरकार से किस तरह की बातचीत करनी है। इन तमाम चीजों पर आज महापंचायत रखी गई। लाखों किसान पहुंचा लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए हुए थे। तो मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है कि किसान आंदोलन जो है वो भटकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राकेश टिकैत महापंचायत में गरजते हुए नजर आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी वो करते हुए नजर आए। तो मुजफ्फरनगर में आज महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें तमाम किसान मौजूद रहे। कई राज्यों के किसान यहां पहुंचे और इस महापंचायत का हिस्सा बने। इस दौरान राकेश टिकैत भी यहां पर मौजूद थे। उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला है। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी किसानों के समर्थन में बोलते हुए नजर आए थे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आदेश सैनी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदेश, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है महापंचायत को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राकेश टिकैत किसान जो संगठन की जो महापंचायत थी उसमें पहुंचे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं सिर्फ संयुक्त मोर्चे की पंचायत में आया हूं, मुजफ्फरनगर की धरती पर नहीं कदम रखूंगा जब तक किसानों की जो मांगे हैं सरकार पूरी नहीं करती, मान नहीं लेती है। दोबारा नहीं आऊंगा जब तक नहीं मानती है। बिजली, पानी और अन्य चीजों पर जो बढ़े हुए रेट है, गैस, डीजल, उसकी मांग को लेकर उसी को उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार इनके दाम भी कम नहीं करती, सरकार ने इस कदर महंगाई बढ़ाई हुई है कि किसान जो है अपनी जिंदगी जीने में दुभर हो गया है। जी बिल्कुल आदेश, लेकिन इस महापंचायत में जो निर्णय लिया गया है वो क्या है? क्योंकि किसानों का साफ तौर पर ये कहना था कि इस महापंचायत में एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि आने वाले समय में ये जो किसान आंदोलन है वो किस ओर जाएगा, कब तक चलेगा और किस तरह से चलेगा। देखिए, किसान महापंचायत में संयुक्त मोर्चे द्वारा जो घोषणा की गई है वह 27 सितंबर को पूरे भारत बंद की घोषणा की गई है और इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। अभी केवल यही निर्णय लिया गया है कि तो आदेश ये कहा जा सकता है कि सिर्फ राकेश टिकैत ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है ये सरकार को। बिल्कुल साफ तौर पर इसमें देखिए ठोस कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि इसमें ताकत दिखाने की अपनी कोशिश की गई है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो साफ साफ बिल्कुल निर्णय लिया जाता इस पंचायत में, लेकिन कोई साफ तौर पर निर्णय नहीं लिया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया। हालांकि जैसा कि मेरे सहयोगी ने अभी बताया कि कोई
ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि भारत बंद का आह्वान यहां पर किसान करते हुए नजर आए हैं। 27 सितंबर को भारत बंद किसान करने जा रहे हैं, चक्का जाम करने जा रहे हैं, लेकिन इस महापंचायत से और जितनी संख्या में यहां पर किसान पहुंचे हैं उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि ये जो किसान आंदोलन है, जो किसानों की आवाज बनने के लिए शुरू हुआ था, वो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत पर जाकर रुक गया है। राकेश टिकैत अब इस पूरे किसान आंदोलन को इसका नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं, इस आंदोलन को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि राकेश टिकैत क्या वाकई किसानों के हित में काम कर रहे हैं या फिर राजनीतिक द्वेष में वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठ रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर में आज महापंचायत का आयोजन किया गया जहां पर बीजेपी कहती नजर आ रही है कि किसान आंदोलन भड़का हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं किसान भी सरकार पर जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए यूपी बीजेपी आज से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत कर चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में तो स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में रहे। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव नजदीक आते देख हर प्रमुख दल वोट बैंक को साधने के अपने अपने तरीके आजमाने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में प्रबुद्ध सम्मेलनों की बाढ़ सी आई हुई है। सपा बसपा पहले ही प्रदेश में इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन करके एक खास तबके को रिझाने में जुटे हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी भी शामिल हो गई है। आज शिक्षक दिवस के मौके पर बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज किया है। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक इसके प्रभारी बनाए गए। प्रदेश भर में न केवल राज्य सरकार के मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। इस कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, क्या आपको जानकारी मिल रही है प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर बीजेपी के? देखिए, सबसे पहले बता दूं, अभी प्रोग्राम शुरू हो चुका है और सुनील बंसल उन्होंने संबोधित किया है और उसमें जमकर तारीफ करी है। यानी कि योगी सरकार के जो 4.5 साल में जो प्रदेश में उन्होंने शांति बनाए रखी, या अपराध के हिसाब से उन्होंने जो कानून तैयारी करवाई, या ये कह सकते हैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का नाम भाजपा ने किया है, पहली बार संकल्प पूरा करने का काम किया है, यानी कि तारीफ ही तारीफ सुनने को मिल रही है योगी सरकार से पूरे तरीके से। और सुनील बंसल है, उन्होंने पूरे तरीके से जो प्रबुद्ध वर्ग श्रेणी में जितने भी लोग आते हैं, वकील है, टीचर है, उन सभी के साथ अभी उन्होंने संबोधन किया है। और इसके साथ ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे कि इनका ये कहना रहा कि बीजेपी सरकार ने खासतौर से कानून व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया है, यहाँ तक कि स्वच्छ भारत का अभियान भी इसी सरकार ने चलाया है, तो कहीं ना कहीं तारीफ के जो पुल थे वो साफ देखने को मिल रहे थे। वजह कोई भी हो, प्रोग्राम के माध्यम से वो बिल्कुल रूबी, अगर देखा जाए तो बसपा पहले ही एक प्रबुद्ध सम्मेलन चला रही है ब्राह्मणों को साधने के लिए, अब बीजेपी ने आज इसकी शुरुआत कर दी है प्रबुद्ध सम्मेलन की। ये जो दोनों प्रबुद्ध सम्मेलन है, चाहे वो बसपा का हो या फिर भाजपा का हो, ये कितना अलग है? देखिए, अलग की बात तो बिल्कुल कहना विपरीत होगा, क्योंकि देश के 125 करोड़ लोगों को सभी योजनाएं पहुंचा रही, इनकी तो यही तारीफें थी। ब्राह्मण को रिझाने की कवायद रही। बीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो बीएसपी की भी यही कवायद रही है। तो देखा जाए तो यही है कि समस्याएं जो है वो साफ देखने को मिल रही है। हालांकि आयोजन जो है उनका, जो यहाँ का लखनऊ का हो या बनारस का हो या प्रयागराज का हो, ये मुद्दा ही इसी बात को लेकर था कि योगी सरकार ने 4.5 साल में काम क्या किया, यानी कि अपनी योजनाओं को गिनाया, सरकार ने किन किन चीजों को पूरा किया है, यानी कि जो एजेंडे में उन्होंने घोषित किया था उसको पूरा किया है, यहाँ तक कि उन्होंने बीएसपी को लेकर खासतौर से एक कटाक्ष भी किया जो विपक्ष पार्टियां नहीं। बिल्कुल रूबी, लेकिन जिस तरह से जो प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत हुई है, सरकार तो ये कह रही है कि नहीं, हम जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हमने जो काम किए हैं वो प्रदेश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में एक डर छिपा हुआ है। डर ये कि वाकई क्या ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं, और अगर ब्राह्मण बीजेपी से नाराज होते हैं तो बड़ी खामियां यहाँ भुगतनी पड़ सकती हैं बीजेपी को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये पहली बार तत्काल पूरा करने का काम किया है उन्होंने। सुनील बंसल का तो यही कहना, क्योंकि सुनील बंसल जो है वो एक तरीके से व्यापारी वर्ग को पूरे समेटते हैं, और ये भी कह सकते हैं इनको इसीलिए ही सामने रखा गया, यानी कि लखनऊ में ये जो जिम्मेदारी दी गई थी सुनील बंसल को ही दी गई थी, ताकि जो नाराज है, यानी कि ब्राह्मण जो नाराज चल रहे हैं,
वोट बैंक की राजनीति शुरू हो चुकी है। अब जो लखनऊ में आयोजन है यानी कि अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें ये साफ देखने को मिल रहा है कि उनको मान मनोबल की जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ दिख रही है। तो माध्यम कोई भी हो, अब चाहे वो उच्च वर्गीय हो या फिर प्रबुद्ध वर्गीय हो, उन सभी को अपनी ओर जाने की जो कवायद चुकी है वो शुरू हो चुकी है। और लखनऊ के साथ साथ जो प्रयागराज है, सीएम खुद बनारस पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी संबोधित किया है, उसमें भी उनका यही निकल के आया कि उन्होंने जो 4.5 साल में काम किए हैं, कहीं ना कहीं बसपा और बीजेपी दोनों अपनी अपनी तारीखों पर जो पुल होते वही बांधते नजर आए। बिल्कुल रूबी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बीजेपी का मिशन यूपी पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज आज से हो चुका है जो कि कई दिनों तक चलने वाला है। ऐसे में बीजेपी तो ये कह रही है कि वो जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, अपने कामकाज जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डर है बीजेपी का वो वाकई समझ आता है कि ब्राह्मणों को साधने की कोशिश यहाँ पर करनी होगी। क्योंकि जहाँ एक तरफ ब्राह्मण जो है वो नाराज सरकार से नजर आ रहे हैं जैसा कि विपक्ष कह रहा है, और बीएसपी जिस तरह से प्रबुद्ध सम्मेलन चला रही है ब्राह्मणों को साधने के लिए, तो उसको टक्कर देने के लिए यहाँ जरूरी है कि एक सम्मेलन की शुरुआत की जाए। तो ऐसी तस्वीरें तमाम आज उत्तर प्रदेश से देखने के लिए मिल रही है। करीब 18 महानगर ये बताए जा रहे हैं जहां पर इस सम्मेलन को चलाया जाएगा, जिसकी आज से शुरुआत हुई है। ऐसे में जनता तक पहुंचने की कोशिश तो की ही जा रही है, साथ ही साथ जनता का मन टटोलने की कोशिश भी बीजेपी करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को कथित फर्जी डिग्री मामले में एसजीजीएम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। प्रयागराज की एसीजीएम कोर्ट ने फर्जी डिग्री मामले को लेकर दाखिल अर्जी खारिज कर दी है। एसीजीएम नम्रता सिंह ने अपराध के गंभीर न होने और प्रार्थना पत्र को आधारहीन मानते हुए अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसी भी थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। भाजपा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता दिवाकर त्रिपाठी की ओर से दाखिल अर्जी में फर्जी डिग्री लगाकर चुनाव लड़ने और पेट्रोल पंप हासिल करने का आरोप भी लगाया था। अर्जी में फर्जी डिग्री के आधार पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निर्वाचन रद्द करने और पेट्रोल पंप का आवंटन भी निरस्त करने की मांग की गई थी। एसीजीएम कोर्ट ने अधिवक्ता उमाशंकर चतुर्वेदी की बहस सुनने और एसएचओ कैंट की ओर से प्रभावी जांच रिपोर्ट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने 1 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत मिली है। फर्जी डिग्री मामले में डिप्टी सीएम को यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। पीलीभीत में सोशल मीडिया पर खाकी की शर्मनाक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आम जनता योगी की पुलिस को उल्टे पांव दौड़ाकर पुलिसकर्मियों के कारनामे को बताते हुए खाकी को मेन हाईवे पर धक्के मारकर थाने ले जाती हुई दिख रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, घटना थाना गजौरा क्षेत्र के मेन हाईवे की है। हम आपको इस वायरल वीडियो का अब सच बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप देखिए। पीलीभीत की तस्वीरें उप निरीक्षक सुभाष चौधरी एवं कांस्टेबल मोहित कुमार, जिनकी नियुक्ति पुलिस लाइन पीलीभीत में है, इनके आज शांति व्यवस्था ड्यूटी पूर्णपुर में लगाई गई थी। वहां से अनुपस्थित होकर के कस्बा गजरौला में ये पाए गए और उनसे आम जनता से अभद्र व्यवहार कर रहे थे। इस आरोप में इनके मेडिकल डॉक्टरी कराई गई, जिसमें कि इनका शराब का सेवन नहीं पाया गया है, परंतु ड्यूटी से गैरहाजिर होना और जनता से अभद्र व्यवहार करने के संबंध में इनके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपने देखी जहां पर खाकी को कुछ लोग दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और धक्के मारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गोरखपुर में महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और यहां मौजूदा शिक्षकों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया, साथ ही 41 शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि प्रधानाचार्य कृष्णा चटर्जी ने सभी शिक्षकों को सम्मानित भी किया है। तो गोरखपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। प्रधानाचार्य कृष्णा चटर्जी ने यहां पर सम्मानित इन्हें किया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिवस भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। एक्चुअली व्यक्तिगत रूप से वो थे बहुत बड़े एक फिलोसोफर, टीचर एवं फिलैंथ्रोपिस्ट, मानव सेवा के लिए ही अपनी जिंदगी को निछावर किए थे। शिक्षक होने के नाते वो
शिक्षक सभी शिक्षकों इतना ज़्यादा प्यार करते थे, सम्मान करते थे कि वो अपने बर्थडे को, जन्म दिवस को ना मना के वो उनके जन्म दिवस को सभी शिक्षक के लिए वो उत्सर्ग किए थे, जिसके कारण हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सब लोग शिक्षक होने के नाते उनके दिखाया हुआ राह, वो थे प्रोफेशनल लेकिन फिर भी बड़े से बड़े वो थे एजुकेशनिस्ट, शिक्षा भी, इसीलिए उनके दिखाए राह में हम लोग चलेंगे और बदलते समय के साथ साथ कैसे शिक्षक को बदलना चाहिए, शिक्षक के एटीट्यूड्स, मनोभाव, काम सब कुछ बदल के छात्राओं के साथ, छात्र छात्राओं के साथ और समाज के हित के लिए कैसे खुद को और भी आगे बढ़ाया जाए, वही वर्तमान समाज के सभी शिक्षक करना चाहिए। शिक्षक दिवस जो कि महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन गोरखपुर में आज रविवार के दिन शिक्षक दिवस का आयोजन हुआ था, जिसमें सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रभावपूर्ण प्रदर्शन किया एवं सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को डायरी पेन हमारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के द्वारा दिया गया। इसमें हमारी प्रिंसिपल मैम का भरपूर सहयोग रहा, जिनके वजह से आज ये रविवार का दिन बहुत ही सुगम और बहुत ही सुदृढ़ और सुंदर हुआ। मैं रसायन विज्ञान की प्रवक्ता हूँ और मुझे, हम लोग जब संडे मनाते हैं तो एक नॉर्मल सी दिनचर्या होती है, लेकिन आज का दिन मुझे बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगा और आज का दिन शायद कभी ना भूलने वाला दिन हो, क्योंकि आज रविवार है। हम लोग सोमवार से शनिवार तक तो प्रत्येक दिन एक वर्किंग पीरियड होता है, लेकिन आज रविवार के दिन जिस तरह से टीचर्स डे महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन गोरखपुर में मनाया गया, इसके लिए मैं अपनी प्रधानाचार्य सुश्री कृष्णा चटर्जी मैम को तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। कृष्णन जी का जन्मदिन एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन जो और शिक्षा दोनों ही जीवन का बहुत प्रेरणा स्रोत रहा है सभी के लिए। वे बतौर शिक्षक विदेशों में, भारतवर्ष में, हाथरस में 31 अगस्त की देर रात हाथरस सिटी रेलवे स्टेशन के सामने 30 साल के युवक संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया था और उसके कैमरे के गेट और फर्श पर खून के निशान पाए गए थे। सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगर और प्रभारी निरीक्षक पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए फील्ड यूनिट और फोरेंसिक टीम की तरफ से तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पुलिस ने 3 टीम का गठन कर गायब युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। तो हाथरस में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक गायब हो गया था और युवक के कमरे के बाहर से खून मिला था, तो ऐसे में पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी और युवक को तलाशने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार पुलिस ने जयपुर से युवक को बरामद कर लिया है। ये देखिए, जनपद हाथरस के थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कर में दिनांक 31/1 की देर रात एक विष्णु नामक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर से गायब हो गया था। उसके संबंध में परिजनों द्वारा लिखित तहरीर थाना कोतवाली पर दी गई थी, जिसके संबंध में अपहरण का मुकदमा थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया गया था। घर वालों द्वारा उसमें बताया गया था कि सुबह जब उन्होंने कमरे को देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था तथा बिस्तर अस्त व्यस्त था और बिस्तर पे, फर्श पे तथा दरवाजे पे खून के निशान पाए गए थे, जिससे उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि उनके बेटे का किसी ने अपहरण कर लिया। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल थाना प्रभारी और उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर उसका मुआयना किया गया। हमारे जनपद की फील्ड यूनिट तथा डॉग स्क्वाड द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। इसके शीघ्र अनावरण हेतु मेरे द्वारा CO सिटी के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था। कितने रुपए का खर्च था आपके? 6-7 लाख रुपये। एक ही बंदे का था कि अलग अलग काफ़ी बंदे? कितने लोगों के लिए रखा था? 7-8, 9 लोग होंगे। क्या काम करते थे? मेरा पार्किंग स्टैंड है, मेरा ठेका है। षड्यंत्र की रचना किस तरीके से की गई? रचना क्या है सर, मैं गया तो 10 दिन पहले मैंने सोचा कैसे क्या होगा, 10 दिन से फोन कर रहे थे मेरे पास,
मैं घर पे गया, ये दूसरे बोला मैं ब्लड चाहिए मुझे यार, या तो मेरा निकाल ले या कैसे भी रिश्ता करते कह रहा है, ऐसे लोगों से ब्लड नहीं मिलता। कर्जदारों को आपने जो है अपना एक टाइम दे रखा था? टाइम तो देता हूँ पर होता नहीं है कुछ मेरे पास, अभी कभी नहीं है टाइम। उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी आपको? इसलिए कि आदमी सोचे कि बाहर के दोस्त हैं इसके, बाहर के दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो गया होगा तो उन्होंने कर दिया होगा। अब आदमी खत्म तो पैसा खत्म हो जाता है, ऐसा सुना है मैंने। मतलब कर्ज से छुटकारा पाने के लिए पूरी सबकी रचना की गई थी। गए कहाँ थे आप लोग? मैं तो आगरा तक गया था, वहाँ पर बैठा आगरा रेस्टोरेंट थे, फिर मैं मूड करा तो जयपुर की लड़की सुन रह गया। जयपुर में कोई मिलने वाली थी? कोई नहीं है मेरा जानकार। उत्तर प्रदेश में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते लगातार पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए चोरी, लूट, डकैती जैसी वारदात लगातार बढ़ रही है। वहीं चोरी का एक ताजा मामला आगरा के कमाल नगर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर बदमाशों ने एक घर के बाहर खड़ी इको गाड़ी चोरी कर ली। वहीं ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस को दी, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन में जुट गई है। तो बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई है। वहीं बलरामपुर के ललैया थाना क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की भूमि पर काफी दिनों से कब्जा किया गया था, जिस पर उच्च न्यायालय लखनऊ की तरफ से कब्जा हटाने को लेकर कई बार नोटिस जारी कर कब्जेदारों से अवैध कब्जे को हटने को कहा गया, लेकिन कब्जेदारों ने उसे अनसुना कर दिया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कब्जा हटाने का आदेश विभागीय अधिकारियों को दे दिया, जिसमें न्यायालय के निर्देशों के पालन का आदेश इस तरह है कि अगर अवैध कब्जेदारों ने भूमि खाली नहीं की तो विभागीय अधिकारी से खुद खाली कराएं और इस पर होने वाले खर्च भी कब्जेदारों से ही मांगा जाएगा, जिसके संबंध में विभागीय अंटो चलाकर अवैध कब्जे की जमीन को खाली करवाया गया। इस प्रकरण में 30 लोगों को नोटिस जारी कर कब्जा हटाने का आदेश दिया गया, लेकिन जब कब्जा नहीं हटाया गया तब विभागीय कार्रवाई की गई। माननीय उच्च न्यायालय में इसका मुकदमा कायम हुआ था अतिक्रमण के लिए, श्री राजकुमार जी ने किया था, जिसका आदेश हुआ था अतिक्रमण हटाने का, तो शासन और प्रशासन की मदद से उसकी मदद ली गई है, जिससे यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर चोरी की सरिया बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। सरिया व्यापारी की तरफ से पुलिस को शिकायत मिली कि ट्रक चालक उड़ीसा से लाई हुई सरिया मालिक के पास ना पहुंचाकर 20 से ही गायब कर देते हैं। जब सरिया मालिक को इस बात का पता चला तो मालिक ने थाना प्रेमनगर में एक मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले को संज्ञान में लेती ही आरोपी की तलाश में जुट गई है। भारी मशक्कत के बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने अभियुक्तों को शास्त्री नगर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों के पास से फर्जी नंबर प्लेट और सरिया भी भारी मात्रा में बरामद कर लिया है। थाना प्रेमनगर पर एक मुकदमा 420-406 का पंजीकृत कराया गया था, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि इनका सरिया जो कि उड़ीसा से आना था, इनको डिलीवर होना था, वो सरिया इनको डिलीवर नहीं हुआ। इसके जांच के लिए क्राइम ब्रांच एवं थाना प्रेमनगर की संयुक्त टीम बनाई गई। इस टीम के द्वारा गहन छानबीन की गई, जांच की गई और आज इस टीम के द्वारा जो अभियुक्त गण है इस गैंग के 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसे कब्जे से 20 टन सरिया और इस घटना में प्रयुक्त ट्रक और शेष बेचे हुए माल के 6,10,000 रुपये, फर्जी नंबर प्लेट, मोबाइल फोन एवं अन्य कागजात बरामद हुए। बहराइच में रोडवेज बस में जा रही महिला सिपाही ने कंडक्टर को थाने में बंद करके 2 सिपाहियों के साथ जमकर मारपीट की है, जिसके विरोध में बस संचालकों ने चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद रोडवेज बस स्टैंड पर यात्री परेशान दिखे। आपको बता दें कि बहराइच रोडवेज बस चालक ने पुलिस से अभद्रता की और बस रुकी की, जिसके खिलाफ परिवहन विभाग के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। रोडवेज कर्मियों ने पुलिस कर्मियों की ओर से चालक के साथ की गई अभद्रता के खिलाफ चक्का जाम किया। रोडवेज कर्मचारियों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनकी मांग है कि उस महिला सिपाही को सस्पेंड करके दोनों तरफ से FIR दर्ज की जाए और जो सही हो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।